देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैडम जी, मैं तालाब के किनारे वाले एक पुराने स्कूल में बंद हूँ। अशोक जी, ये देखिए। कृष्णा, 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 अशोक जी, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। अभी कृष्णा सबको बता देगा कि मैंने उसे बंद किया था। मुझे बहुत मार पड़ेगी। आसान ऊपर मिला कृष्णा। चाचू, वो अंदर है। अंदर? कृष्णा, 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 घर ले चलते। हाँ भैया, उठाइए इसे। आज हम भी कसम खाकर बैठे हैं, 30 मिनट के अंदर अंदर ये दोनों नहीं आए ना तो पता नहीं हम क्या कर बैठेंगे। मजाक बना के रखा हुआ है सबने। कृष्णा, अशोक जी, इसी के कमरे में लेकर चलिए। यशोदा, क्या हुआ कृष्णा को, कहाँ मिला? वो पास वाले स्कूल के कमरे में बंद था, पता नहीं वहां कैसे पहुंचा वो। हाँ डॉक्टर साहब, चलिए आइए। कृष्णा को कमरे में किसने बंद कर दिया? जो हमारे मायके में वो नौकर ना, कृष्णा। हाँ, अरे वो सुबह से नहीं मिल रहा है, आपने देखा क्या? अच्छा, नहीं कहीं दिखाई दे ना तो आप हमें फोन करिएगा। नमस्ते। सुनो, हाँ? कृष्णा मिल गया है? अरविंद का फोन आया था। कहा? अरे तुम्हारे घर के पास जो स्कूल है ना, हाँ? उसी स्कूल के कमरे में बेहोश मिला। चलो भाई, भगवान का शुक्र है कि मिल गया, अरे नहीं तो हमारी सारी मेहनत पे ना पानी फेंक जाता। अब कम से कम हम भाई को सरप्राइज तो दे पाएंगे पार्टी में, है? अरे हमको तो ये लग रहा था कि कृष्णा को अशोक ने गायब किया है, लेकिन अशोक ने तो किया नहीं। फिर आखिर वो कौन है जिसने कृष्णा को गायब किया? बताओ, कृष्णा वहाँ कमरे में होश मिला? अरे जाने दो ना, तुम काहे के लिए अपनी बुद्धि पे इतना जोर डाल लो, है? छोड़ो। अरे हमारे लिए तो अच्छा है ना कि हमें कम से कम इतना तो पता चल गया कि उस घर में हमारे अलावा और भी लोग हैं जो कृष्णा से इस हद तक नफरत करते हैं। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? एक तो है आस्था। हम जानते हैं कि आस्था जो है ना, कृष्णा से कितना चिढ़ती है। और जब बच्चे किसी से नफरत करते हैं ना तो कोई भी हद पार कर सकते हैं। आस्था के अलावा भी कई लोग हैं जो कृष्णा को पसंद नहीं करते। हो सकता है उनमें से कोई हो। अरे आस्था कैसे हो सकती है? आस्था तो खुद हम लोगों के साथ कृष्णा को ढूंढवा रही थी। देखो, हमारी आदत नहीं है इशू बनाने की, इसलिए कह रहे हैं बात की गहराई में जाओ। सोचो हम लोगों के लिए कितना अच्छा है, जितने ज्यादा लोग कृष्णा से नफरत करेंगे, हमारी लड़ाई में समय समय पर हथियार बनकर हमारे काम आते रहेंगे। क्यों? ये बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम एक काम करो, जल्दी अपना मेकअप वेकअप ठीक कर लो, क्योंकि हम लोगों को पार्टी में भी तो चलना है सरप्राइज देने के लिए। इंजेक्शन दे दिया है और अब किसी दवा की जरूरत नहीं होगी, थोड़ी देर आराम करने दीजिए,
होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरविंद छोड़ के आ जा। जी भैया। आइए डॉक्टर साहब। मुसीबतें पीछे ही नहीं छोड़ रही है, इसे आराम करने देते हैं। जब इसे होश आएगा तब इससे पूछेंगे ये उस कमरे में कैसे पहुंचा और कैसे बेहोश हुआ। आज सालगिरह हमारी, हम भी तैयार हो जाते हैं और वहां बाबूजी फिर चिल्लाएंगे। चाची मैंने सिर्फ कृष्णा को बंद किया था, मुझे नहीं पता कि वो कैसे बेहोश हुआ। सब उसको होश आएगा तो वो सबको बता देगा कि मैंने ही उसे बंद किया। चाची मुझे बहुत डर लग रहा है, सब लोग मुझे बहुत मारेंगे, सब लोग ये समझेंगे कि मैंने ही उसे बेहोश किया था। मैं क्या करूं चाची, बताओ ना। कुछ नहीं होगा आस्था, तुम डरो मत, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तुम ना बस एक काम करो, तुम ना उस कृष्णा पर नजर रखो, जैसे उसे होश आता है सबसे पहले जाके उससे माफी मांग लो। और हाँ, उसे ना तुम ये कहना कि तुमने ये सब इसलिए किया था ताकि वो इस पार्टी में ना आ सके, ठीक है? और उसे ये भी कहना कि अगर वो तुम्हें अपनी बहन मानता है ना तो वो किसी से कुछ ना कहे और तुम्हें माफ कर दे। लेकिन आस्था, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। और थोड़ा सा रोना धोना करो, वो इमोशनल कार्ड होता है ना वो प्ले कर, ठीक है? देखना निकल जाएगा पक्का। सॉरी कृष्णा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम पार्टी में आओ, इसलिए मैंने तुम्हें बंद कर दिया। लेकिन प्लीज तुम घर पे किसी को भी मत बताना, मुझे माफ कर दो ना कृष्णा। नहीं, आज तो मैं बताऊंगा, जैसे उस दिन जूते चलाने वाली बात मैंने नहीं बताई थी, फिर भी क्या हुआ? आपने गलत किया ना मेरे साथ, मेरी वजह से पूरा घर परेशान हुआ होगा। और अगर आज मैंने आपको फिर से माफ कर दिया तो आप ये गलती दोबारा करेंगी, इसलिए आज सबको बोलना जरूरी है जिससे आप अपनी गलती सुधार सके। सॉरी कृष्णा, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। आज नहीं, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, फटाफट हाथ चलाओ, जाओ। चाचू चाचू सुनिए ना। बोले बेटा। कृष्णा भैया आपको होश आ गया, मम्मी पापा कृष्णा भैया को होश आ गया। कृष्णा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तब बैठ के बात करते हैं। कृष्णा बताओ तुम उस कमरे में कैसे पहुंचे और बेहोश कैसे हुए तुम? हाँ बोलो कृष्णा। वो है ना मैं वहां। नमस्ते वकील साहब। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? आप या आपके घर वाले कुछ हमें बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? क्या मतलब? कोर्ट ने आपको इसकी कस्टडी दी है, ये सजा जरूर काट रहा है, लेकिन आप लापरवाही नहीं कर सकते। ये कमरे में बंद हो जाता है या किया जाता है और बेहोश भी हो जाता है। देखिए इसमें घर वालों का कोई दोष नहीं है, इनफैक्ट इसे अभी होश आया और हम इससे इसी बारे में पूछने की कोशिश। वो हम पता कर लेंगे।
आप ये मत सोचिए कि कानून ने इसे यहाँ सजा काटने के लिए भेजा है तो हमारी इस पर नजर नहीं है। हमें अभी अभी पता चला और 24 घंटे हमारे लोग इस पर नजर रखे हुए हैं। हमें खबर मिली तो हम यहाँ पर आ गए। अगर आप इसका ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हैं तो हम इसको अपनी कस्टडी में ले सकते हैं और जुविनाइल भेज सकते हैं। आज ये बेहोश हुआ है, हो सकता है कि कल को इसके साथ कुछ और हो। नहीं सर, हमसे कोई खतरा नहीं है कृष्णा को, बल्कि हम खुद कृष्णा को ढूंढकर घर लेकर आए हैं। मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूं? कृष्णा यहाँ हो। जा जा। अच्छा कृष्णा, सच सच बताओ कि तुम उस कमरे में बंद कैसे हुए, या तुम्हें किसी ने बंद कर दिया? डरो मत, सब कुछ बताओ, कैसे हुआ था ये? क्या करूं मैं? अगर बड़ी बीबी का नाम ले लिया तो साबित हो जाएगा कि घर मेरे लिए सेफ नहीं है, और ये पुलिस अंकल मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। बड़ी बीबी का सच तो मैं मैडम जी को बाद में भी बता सकता हूँ, जिससे वो उन्हें समझा सके, लेकिन अभी तो मुझे झूठ बोलना ही होगा। बताओ ये कैसे हुआ और तुम वहाँ कैसे पहुँचे? मैं रास्ते से जा रहा था और अचानक से पीछे से कोई आया और वो मुझे गंदी गंदी बातें बोलने लगा और मुझे चिढ़ाने लगा। वो कह रहा था कि मेरी माँ मर गई है और मुझे खिलावर इसकी तरह छोड़कर चली गई है, और कह रहा था मैं इस घर में एक बोझ की तरह पल रहा हूँ। सब मुझसे सुना नहीं गया और हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, और लड़ाई करते करते हम कमरे के अंदर चले गए और वो दरवाजा बंद करके वहां से भाग गया। लेकिन तुम बेहोश कैसे हो गए? वहां पर एक डिब्बा रखा था जिसमें कुछ था। मैं वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो डिब्बा मुझ पर गिर गया और मैं बेहोश हो गया। सर जी, इन घर वालों से मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। अब मैं जाऊँ, क्योंकि आज रात को पार्टी है और सबको तैयार होना है। ठीक है, आप लोग इसका ख्याल रखिएगा। बाहर जो तुमने इंस्पेक्टर साहब को कहा, क्या वही सच है? जी सर जी। अगर तुम कुछ सोच रहे हो तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, तुम सच बता सकते हो क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। कहीं कामनी जीत जी ने तो तुम्हें वहां बंद नहीं कर दिया था? नहीं सर जी, सच बोल रहा हूँ मैं, और मेरे सब मुझे बंद क्यों करेंगे, बल्कि वो और मैं ही तो मिलकर आपको सरप्राइज देने वाले हैं। और अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो आपको सरप्राइज कैसे देंगे? कैसा सरप्राइज? आप तो एक वकील है ना, हर वक्त अपना दिमाग चलाते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा समझदार हूँ। पहले भी आपने मुझसे पूछा था तब मैंने आपको नहीं बताया, और फिर से आप मौका देखकर मुझसे पूछ रहे,
मैं अभी भी आपको नहीं बताने वाला हूँ। जब वो सरप्राइज आपको देंगी तभी आप देख लेना। कृष्णा, क्या तुम उसे जानते हो जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई? पहचान लोगे उसे? मुझे उससे बात करनी है। कोई तुमसे इस तरह कैसे बात कर सकता है? मैं समझाऊंगी उसे। मैंने दीजिए ना आप मैडम जी, वो जो भी था मैंने उसे बहुत पीटा है। और गलती तो मेरे बाप की है। अब उनकी वजह से किस किस को समझाएंगे? छोड़िए ना। और हाँ सर जी, आप और मैडम जी पार्टी के लिए तैयार हो जाइए, अभी आ जाएंगे मेहमान। ठीक है, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है, चलिए। बताएं, अशोक की शादी में भी इतनी सजावट नहीं हुई थी। हम तो मना रहे हैं भगवान से कि बस किसी की नजर ना लगे। अम्मा, अम्मा, प्रणाम। अम्मा, ये साड़ी ना तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। बेटी तो अच्छी नहीं मिली ना, अब साड़ी कितनी भी सुंदर क्यों ना पहन ले, क्या ही फर्क पड़ता है। अम्मा कह रहे हैं ना गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, माफ कर दो। तुम तो गुस्सा कर रही हो, शांति नहीं हो रही। शुक्र करो कामिनी, तुम्हारे भाई की पत्नी यशोदा है, वरना तुमने जो काम किया है ना उसके लिए हम तुम्हारी अम्मा तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। अब खैर, पार्टी में आ ही गई हो तो ढंग से रहना, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। सासुमा, आप निश्चिंत रहिए, हम लोगों की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मास्टरनी, चिची ने इतनी बड़ी गलती की है तो उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि आप ये सब जिज्जी को जो चाय पत्ती, चीनी, पराठे, सब्जी ये सब दे देती हो ना, इस पर रोक लगा दो। अब लेगी कामिनी महुआ की क्लास, हम तब तक बाबूजी का हालचाल ले लेते हैं। बड़ी सुंदर लग रही हो, क्या बात है। शुक्रिया। तुम्हें को ढूंढ रहे थे हम। हम घर में आ गए हैं, हैं? तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुमने हमारा स्वागत नहीं किया। हम बेटी हैं घर की और तुम छोटी बहू, ना तुमने हमारे पैर छुए ना तुमने हमें पानी पूछा, हैं? अच्छी बात नहीं है ये मास्टर। हम जानते हैं कि हमको यहाँ पर देख करके ना तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना? लेकिन एक बात बताएं, कामिनी की सेहत पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसको बुलाने उसके घर का नौकर आया है या बड़ी बहू। बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी देखो आज हम यहां तुम्हारे सामने घर पे खड़े हैं और
और वो भी बड़ी शान से। तो जिस शान से खड़े हो ना, उसी शान से खड़े रहो, या फिर उधर जाके ना नाच लो, बस हमारे सामने मत रहो। वो काम है हमें, समझी? मास्टर ने छोड़ो मां। देखो कि जो मास्टर ने बोल के ना हम तुमको इज्जत देते हैं, एक सेकेंड नहीं लगेगा तुम्हारी इज्जत थोड़ी में। हाथ छोड़िए हमारा। तो वो कौड़ी की औकात का दिल में तुम्हारी समझ में आ रहा है? और हाँ, अब जब आगे से तुम्हें फोन करे ना, तो ऐसे ना टिपिट टिपिट मत करना अपनी जवान चला के। कायदे से और तमीज से बात करना, तुम्हारी बड़ी ननद है, समझ में आ रहा? हाथ छोड़िए हमारा, हाथ छोड़िए, छोड़ो हमारा हाथ। छोड़ दिया, संभाल के अब ठीक तो हो? क्या हुआ? अब मास्टरनी हील वाली चप्पल पहन के चलेंगी तो क्या होगा, इसे लड़खड़ाएंगी है ना। इतनी बार इनसे बुला है कि जो काम सलीके से नहीं आता है वो काम ना किया करो, मानती नहीं है ये। आइए आप लोग अंदर आइए। अरे मनोज भैया, कैसे हैं आप? नमस्ते। दूल्हा दुल्हन भी बस तैयार हो रहे हैं, तब तक आप लोग आइए ना। आइए आइए। मैम सब मुझे बंद क्यों करेंगे, बल्कि वो और मैं ही तो मिलकर आपको सरप्राइज देने वाले हैं। मुझे जिज्जी को किसी भी तरह ये सरप्राइज देने से रोकना होगा, वरना इस तूफान में मेरा पूरा घर तिनको की तरह बिखर जाएगा।